नमस्कार, मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी टीचर। आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। तिवारी का तोता। हमारी कहानी है जो है, काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था, उसके घर वालों से तिवारी की ही आवाज़ें में बातें किया करता था। तोता जो है, काशी की पवित्र नगरी थी, वहाँ एक पंडित तिवारी थे। तिवारी के घर में वो रहता था, तिवारी के पिंजड़े में, और वो तिवारी जी का दिया हुआ ही खाना खाता था और तिवारी जी की आवाज़ में ही इनके घर वालों से बातें किया करता था, जो कि इनके घर वालों को काफ़ी अच्छा लगता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उस पिंजड़े के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। जंगली तोता जो है, पिंजड़े में कैद तोते से पूछ रहा है, तू भाई कौन है जिसकी सूरत तो मुझसे मिलती है लेकिन तुम्हारा स्वभाव मुझसे नहीं मिलता है। इस पर पिंजड़े के तोते ने जंगली तोते को जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह ही हरा है और मेरी चोंच भी तेरे चोंच की तरह ही मोटी है, और फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ। ये पिंजड़े के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह ही हरा है, मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह ही मोटी है, फर्क सिर्फ यह है तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में तो खतरे हैं। ये पिंजड़े का तोता जो है जंगली तोते को समझा रहा है। इस पे जंगली तोता बोलता है, तुझ पर लानत है, तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजड़े की तारीफ न करता। जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ, तू अभागा है। जंगली तोता जो है पिंजड़े में बंद तोते को कहता है, अरे तू अभागा है, तुझको पता ही नहीं है कि तेरा केवल शरीर ही कैद नहीं है, तेरी आत्मा भी कैद है, और तू कहता है जो है कि मैं यहाँ पे बहुत सुख से हूँ, जो है मैं इनके मकान में रहता हूँ और मुझे जंगल में खतरा है। पिंजड़े का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है। पिंजड़े का तोता बोलता है जंगली तोते से, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा, उसको मैं अपने दिल में टटोल कर देखूंगा कि तुम्हारी बातें कितनी सही हैं। तू मुझे समझा, मैं क्यों भागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती। पिंजड़े में बंद तोता जो है जंगली तोते से बोलता है कि अच्छा आप समझाओ कि मैं अभागा कैसे हूँ और वो कौन सा दुख है जो है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जो है कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है, तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है, यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते अपने आप नहीं ढूंढे। जब पिंजड़े का तोता जो है जंगली तोते से पूछता है कि अरे मेरा दुर्भाग्य क्या है और मैंने कौन सा चीज़ नहीं देखा, इस पे जंगल का तोता बोलता है, तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि तुम्हारे पास पंख है लेकिन तुमने कभी खुले आसमान में जो है अपने पंख ही नहीं फैला पाए, खुले हवा में कभी सांस ही नहीं लिए और कभी आपने अपना रास्ता नहीं ढूंढा, कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज़ नहीं है। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है, जो है तेरी अपनी मर्जी वहाँ पे नहीं चलती है। तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। जंगली तोता जो है पिंजड़े के तोते से कह रहा है जो है कि तू और तेरा मालिक इस दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजड़े का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है,
पिंजड़े का तोता बोलता है कि मुझको तो ये लगता है कि मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े में और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस पड़ोस में तो बहुत बिल्लियाँ हैं जिनके मुँह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। पिंजड़े का तोता जो है जंगली तोते से कहता है कि अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरा मालिक मुझको खाना देता है, मुझको पानी देता है, रात के जाड़े में अंधेरी रात में भी मेरी रक्षा करता है, और मेरी पड़ोस में तो बहुत खूंखार खूंखार बिल्लियाँ हैं जो अपने पंजे और नाखून से हमको नोच खसोट लेती, हमको मार डालती, जो है उनके दिल में बहुत बेरहमी है, वह मुझे खा जाती। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाए। जंगली तोता जो है जब इन सब बातों को सुनता है तो उसको चिढ़ हो जाती है, जो है वो बोलता है भगवान करे तेरे लिए जीवन के सभी रास्ते बंद हो जाए, तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। जंगली तोता जो है पिंजड़े के तोते को समझाता है कि तू यहाँ पे कैद है, तुमको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा और तेरी आत्मा तुझसे बेगानी हो गई है। पिंजड़े का तोता, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ पिंजड़े में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता, मेरे पिंजड़े में मेरा राज है, मैं फिर क्यों कर मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैदखाना है, ये कैसे मैं मान लूँ कि मेरा घर मेरा कैदखाना है। ये पिंजड़े का तोता जंगली तोते से बोलता है, अरे जब मन में आता है मैं पिंजड़े में घूम लेता हूँ, सीटियाँ बजा लेता हूँ, जो है मैं क्यों मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ। जो है जंगल का तोता, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है, सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन और उसकी बात का सही बोली में जवाब दे, फिर देख क्या होता है। जंगली तोता जो है पिंजड़े के तोते को समझाता है कि एक दिन तुम अपने मालिक की बोली मत बोलो और उसका कहा हुआ तुम ना करो, फिर देखो जो है तुम्हारा मालिक तुमको कितना मानता है, जो है और तुम्हारे साथ क्या करता है। पिंजड़े का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा, और आज मैं किसी की बोली नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप की बोली है, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है, मतलब मैं अपनी जबान, जो मेरी जबान है, हमारे माँ बाप बोलते हैं, जो आप बोलते हो, मैं उसी को बोलूँगा, आज मैं तिवारी जी की बात नहीं बोलूँगा। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला जाता है, जंगल का तोता बोलता है कि मैं दूसरे दिन आऊँगा, तुम्हारी खोज खबर लूँगा, तुम एक दिन जो है तिवारी की बात मत मानो, फिर देखो तिवारी तुम्हारे साथ क्या करते हैं, और प्रतिज्ञा करके चला जाता है कि मैं अगले दिन आऊँगा। पिंजड़े का तोता हैरान था, यह हैरानी उसके दिल पर और आँखों की पलकों पर छाई हुई थी। जब पंडित तिवारी का बेटा आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। अपने दिल में कह रहा है कि आज ये कुछ भी बोलेगा मैं इसको जवाब नहीं दूंगा, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सींक लेकर पिंजरे में डाली और वह सींक तोते की गर्दन में चुभो कर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पे घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सींक चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब न दिया और वह छाती पे घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। एक बार उसने गर्दन पे सींक चुभोई, उसने नहीं बोला, इस बार उसने छाती पे सींक चुभोई, उसने नहीं बोला और वह दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभाई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार कर दिया और वह अपने शरीर पे घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजड़े के कैदी तोते से मिलने आया तो पिंजड़े का तोता मरा हुआ पड़ा था और उसके कैदखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। पिंजड़े का तोता मर चुका था जो है, क्योंकि उसने तिवारी के बेटे का जवाब नहीं दिया, उसने उसको सीख चुभो दी जो है एक बार गर्दन में एक बार छाती में जो है, तो वो मर गया। जंगल के तोते ने अपने जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। जंगल का तोता जो है अपने आवाज़ में बोल रहा है जो है, जब गुलाम जो होता है अपने मालिक की बात नहीं सुनता है तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा,
इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो। हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, जो तोता मर गया उसकी मरी हुई आत्मा ने कहा, चूंकि पंडित तिवारी बोल रहा है जो इस जंगली तोते को मार के भगा दो, इसने मेरे पालतू तोते को मार दिया, लेकिन जो तोता मर गया है उसकी मरी हुई आत्मा बोल रही है जो है, इस जंगली तोते को चूरी दो। चूरी होता है जो है चूरमा। इस जंगली तोते को चूरमा खिलाओ, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। मतलब मैं तो पिंजड़े में था जो है, पिंजड़े में जीवित रहने के बाद भी मेरा जीवन जो है एक मुर्दे की तरह था। ये जंगली तोते से जब मैं मिला जो है, तो मुझको लगा कि जीवन क्या होता है। तो इसी में कहा गया है कि इस तोते को, इस जंगली तोते को छुरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया और यह मुर्दे को जिलाया है। कहानी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।